ਨਗਾਰਾ ਮਚੇਲਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਂਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਨਗਾਰਾ ਚਨੋਦ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਂਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਨਗਾਰਾ ਮਿੰਦਲ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਂਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। माता मचेल, माता चंडी की जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तमाम लोग हजारों की संख्या में जा रहे हैं। आज हम उधमपुर में माता मचेल के तमाम जो परिवार हैं, जो माता मचेल से जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था में उनकी आस्था जो है वो बनी हुई है। मैं, मेरे साथ अरोड़ा परिवार से अनिल अरोड़ा जी हैं, राजकुमार बच्चा जी हैं, गढ़ी से बिट्टू जी हैं, पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं माता मचेल के परिवार से, और अनिल जी हैं, रंजीत परिहार साहब हैं और शर्मा जी हैं हमारे, सब लोग हैं। मैं एक सूचना हम आपको देना चाहते हैं, और माता रानी की सबसे ज़्यादा जो भगत हैं वो उधमपुर शहर में हैं, और उधमपुर शहर के तमाम जो हमारे लाखों माता रानी के भगत हैं उनके लिए सूचना ये है कि 17 तारीख वीरवार को, 17 अगस्त को सुबह 8 बजे के करीब जम्मू से पवित्र जोत और पवित्र छड़ी जो निकलेगी वो लगभग 10 बजे के करीब गढ़ी में, पहले तो जो शिव मंदिर है वहाँ पर रुकेगी, वहाँ गढ़ी रैम्बल के आसपास के जो मलाड़ के लोग हैं वो वहाँ पे माता रानी की छड़ी और जोत का स्वागत करेंगे, आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा उधमपुर में पिछली बार की तरह ही इस बार भी कारगिल हनुमान मंदिर में यहाँ पर लगभग 1 घंटे के लिए माता रानी की पवित्र जोत और पवित्र छड़ी जो है वो रुकेगी कारगिल हनुमान मंदिर में 17 अगस्त को सुबह 11 बजे से ऑनवर्ड्स। तमाम जितने भी माता रानी के भगत हैं हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप समय पर आए। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे ऐसे माता रानी के भगत हैं जो माता रानी में दिन रात आस्था रखते हैं, अपने घर में माता रानी को याद करते हैं, पर किसी कारणवश वह, चाहे उनकी सेहत की दिक्कत हो या कोई और दिक्कत हो, वो माता रानी के दरबार तक नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए भी एक ये मौका है कि वो माता रानी की साक्षात जो पवित्र छड़ी है और जो अखंड ज्योत ज्वाला जी से ज्योति पजनंदा और मैं हम लेके आते हैं, और जम्मू से ये जोत और छड़ी जो है वो उधमपुर में कारगिल हनुमान मंदिर में 17 अगस्त को 11 बजे आपके दर्शनों हेतु यहाँ पे रुकेगी। आप ज़रूर आएँ और वहाँ पर पहुँचें। तमाम जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो चिनैनी के रहने वाले हैं, रामनगर के रहने वाले हैं या बाकी जगहों के भी रहने वाले हैं, अगर कोई आना चाहता है तो ज़रूर आए और माता रानी के दर्शन करें। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि माता रानी की ये जो पवित्र छड़ी और ज्योत है ये 17 तारीख को सबसे पहले इसका स्वागत जो है वो टिकरी में होता है, टिकरी के इलाके में। इसके अलावा गढ़ी में इसका स्वागत किया जाता है, इसके बाद उधमपुर में, और फिर आगे जो नरसूलाले में अरोड़ा जी की परिवार, वहाँ पर इनकी दुकान है, वहाँ पर स्वागत करती है। चिनैनी के लोग, तमाम लोग वहाँ पर आते हैं। पटोथ में स्वागत होता है, खलैनी में स्वागत होता है, इसी तरह से अलग अलग जगह पे स्वागत होते हैं। ये डोडा में 17 तारीख रात को छड़ी और जोत जो है वो रुकेगी, 18 तारीख को डोडा से ये छड़ी और जोत निकलेगी, और लगभग 1-2 बजे के करीब ये किश्तवाड़ में एंटर होगी, और शालामार से ही हजारों लोग छड़ी का इंतजार करते हैं, माता रानी के एक साक्षात रूप का इंतजार करते हैं, और किश्तवाड़ में एक बहुत भव्य रैली के रूप में, एक धार्मिक जो एक रैली के रूप में इस बार बाजार से होते हुए वहाँ पे सरकूट मंदिर है, सरकूट मंदिर में ये जो पवित्र छड़ी है ये वहाँ पर रुकेगी, और इसके बाद आगे फर्दर जो है वो अठौली के लिए, अठौली में रुकती है, गुलाबगढ़ में रुकती है, फिर चिशोती में रुकती है, और फिर उसके बाद माता रानी के भवन तक पहुँचती है। छड़ी को और जोत को ले जाने वाले नंगे पैर इसे उठाते हैं, और माता रानी उन सब परिवारों पर अपनी दया दृष्टि इसी तरह से बनाए रखे।
जो माता रानी को दिन रात याद करते हैं। धन्यवाद।